नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दाजू केशन में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का मेट रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस बार फिजिकल एग्जाम में किस प्रकार कट अप गया है इसकी भी जानकारी सीएसबीसी के अफसर साइट के माध्यम से जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आज जो जानकारी प्रकाशित की गई है उसी के माध्यम से आप सभी को जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 11,880 पदों पर जो वैकेंसी दी गई थी इसका रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें 11,880 वैकेंसी में से 11,838 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 42 पद रिक्त रह गए हैं। सभी अभ्यर्थी को 26 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच योगदान के लिए बुलाया जा रहा है और आप लोग 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच अपना योगदान कर रहे, और जब आप लोग योगदान के लिए जाएंगे उस समय डॉक्यूमेंट्स बारीकी से चेक किया जाएगा और आप लोग किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स में कमी ना करें। अगर आप लोग अभी तक डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए हैं तो आप लोग बहुत ही जल्द डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम बारीकी से जांच किया जाएगा, जो स्टूडेंट फर्जी हैं उसे भी पकड़ा जाएगा। और जब आपका मेडिकल होगा, इसमें मेडिकल काफ़ी आसान होता है, मेडिकल आपके जिले के ही कोई सरकारी हॉस्पिटल में आपका मेडिकल लिया जाएगा और मेडिकल काफ़ी आसान होता है। मेडिकल में कोई अभ्यर्थी अनक्वालिफाई नहीं होते हैं, सभी अभ्यर्थी को मेडिकल में क्वालिफाई कर दिया जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 43% महिला अभ्यर्थी को इस बार सिलेक्शन लिया गया है, जिसकी जानकारी आप लोगों को हमने पहले ही दिया था। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का कटअप भी सीएसबीसी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जो आप लोगों को जानकारी मिल गई है कि किस प्रकार से इस बार फिजिकल का कटअप गया है और महिला का कटअप काफ़ी कम गया है, पुरुष का कटअप 78 गया है, जो आप लोगों को हमने पहले ही जानकारी दिया है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल में जनरल अभ्यर्थी का सिलेक्शन इस बार भी काफ़ी कम हुआ है। रिजल्ट सीएसबीसी की वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी जानकारी भी उस नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है। डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोग कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।